यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि हमने अभी हाल ही में हमारा गैस सिलेंडर भरवाया है 9 मई 2022 को, जिसकी सब्सिडी हमें 61.24 रुपये मिले हैं। क्या इस सब्सिडी का पैसा आपको भी मिल रहा है? अगर मिल भी रहा है तो ये पैसा कैसे चेक करना है? इस सब्सिडी का पैसा पहले बंद हो चुका था, लेकिन अभी ये रेगुलर आ रहे हैं। तो आपके भी गैस सब्सिडी का पैसा आ रहा है या फिर नहीं? अगर नहीं भी आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? आज की इस वीडियो में आपको गैस सब्सिडी चेक करने का एक कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बिठाए 2 मिनट के अंदर अंदर अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के गैस सब्सिडी का पैसा चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या पीसी में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे माई एलपीजी। इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही माई एलपीजी डॉट गवर्नमेंट इन की ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगी। आपको सिंपली से इसी पर एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका होम पेज आ जाएगा। क्लिक करते आपके सामने भारत की उन तीनों कंपनियों के गैस सिलेंडर आ जाएंगे जो हमें गैस सिलेंडर डिलीवरी करते हैं। अब आपके घर में जिस कंपनी का गैस सिलेंडर है और आप उस गैस सिलेंडर की गवर्नमेंट सब्सिडी चेक करना चाहते हैं तो उसी कंपनी के गैस सिलेंडर पर एक क्लिक करना है। तो हमारे पास इंडियन गैस सिलेंडर है तो हम यहाँ से इंडियन गैस सिलेंडर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है गिव योर फीडबैक ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटा गैस सिलेंडर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कैटेगरीज आ जाएगी। अब इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सब्सिडी रिलेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सब कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सब्सिडी नोट रिसीव। क्लिक करते आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको गैस सब्सिडी चेक करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने गैस कनेक्शन करवाया था उस टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, या तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे या फिर अपना एलपीजी आईडी नंबर डालेंगे। ये एलपीजी आईडी नंबर आपकी गैस की पासबुक में लिखा होता है, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास में एलपीजी आईडी नंबर है तो मैं यहाँ पर एलपीजी आईडी नंबर टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना एलपीजी आईडी नंबर टाइप कर दिया और फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने कब कब गैस सिलेंडर भरवाया है और कब आपको कितनी सब्सिडी मिली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर आईडी नंबर देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर अपने ऑर्डर डेट भी आप देख सकते हो और फिर यहाँ पर आप अपने सिलेंडर की क्वांटिटी देख सकते हैं कि आपने कितने सिलेंडर भरवाए हैं। इसके बाद में यहाँ पर डिलीवरी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कब अपना सिलेंडर भरवाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 9 मई 2022 को अभी हमारा गैस सिलेंडर भरवाया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी कि आपको कितनी सब्सिडी मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 61.24 रुपये हमें सब्सिडी मिली है इस गैस सिलेंडर को भरवाने पर। हमने पहले भी जो गैस सिलेंडर भरवाए हैं उनकी भी सब्सिडी 61.24 रुपये ही हमें मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कितना पैसा मिल रहा है ये तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको अपना कैश मेमो नंबर भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपनी कैश मेमो डेट भी देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपनी गैस की सब्सिडी चेक कर सकते हैं और आपकी गैस सब्सिडी अभी आपके खाते में आ रही है या फिर नहीं हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपकी गैस सब्सिडी नहीं आ रही है तो फिर आप यहाँ से कंप्लेन भी डाल सकते हैं। नीचे आपको कंप्लेन बॉक्स मिल जाएगा, आप इसमें टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी आ रही है। अगर आपको गैस सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप इस कंप्लेन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हमारा गैस सब्सिडी क्यों नहीं आ रहा है। आप अपने हिसाब से यहां पर कंप्लेन टाइप कर सकते हैं और फिर यहां से सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और साथ ही यहां पर आपको एक ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर भी मिल जाएंगे जिससे आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। आप यहां पर यूज सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपने जो कंप्लेन डाली है उसका क्या जवाब आया है वो जवाब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको गैस सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है। आई होप आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगी इस घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।